आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको दो बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया, यह पहली बार होगा। और दुनिया में भी बहुत कम लोग हैं जैसे विंस्टन चर्चिल हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ऐसे ही माने गिने चुने लोग हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेस को दो बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री जो है स्टेट विजिट, उनका एक स्टेट विजिट का मतलब है कि ये सम्मान के रूप में सबसे हाईएस्ट लेवल है। तो उनको जो आदर सम्मान जो दिया जाएगा वो आज तक बहुत कम लोगों को दिया गया है, और हमारे ही इतिहास में पहले दो ही स्टेट विजिट हो चुके हैं। पर उसके अलावा प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के संसद पे भाषण देंगे, ये जॉइंट एड्रेस होता है कांग्रेस को। आज तक कोई भी भारत का प्रधानमंत्री इसको दो बार उन्होंने संसद को संबोधित नहीं किया, ये पहली बार होगा। और दुनिया में भी बहुत कम लोग हैं जैसे विंस्टन चर्चिल हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ऐसे ही माने गिने चुने लोग हैं जिन्होंने यूएस कांग्रेस को दो बार संबोधित किया। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, और इससे परिणाम क्या निकलेंगे, क्या होगा, वो तो जब विजिट होगी तभी आपको पता चलेगा। तो आप थोड़ा इस पर संयम रखें। सर, लोग तीर्थ पे जाते हैं लेकिन बीजेपी ने, मोदी सरकार ने विकास को ही तीर्थ माना है, तो कैसे आप इसको नहीं, क्योंकि देखिए आप तीर्थ पे इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपके लिए अंदर से एक बहुत बड़ी भावना है, ऐसी कमिटमेंट है जो जिसको चुकाने के लिए आप तीर्थ जाते हैं। भाजपा के लिए और प्रधानमंत्री के लिए विकास जो है उनके लिए ये सर्वप्रथम कमिटमेंट है, तो ये तो स्वाभाविक है, तो हम तो ऐसे तीर्थ पे जाए। हमारे लिए तो ऐसे जहाँ प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ डिलीवरी आई है, जहाँ डिलीवरी होती है, तो आप सोचिए कि सबसे हम इसको तीर्थ मानते, आप इसको हमारे कमिटमेंट, आप इसको एक कमिटमेंट का उदाहरण माने कि हमारे लिए ये इसकी महत्व क्या है।